विदिशा के वार्ड क्रमांक 16 में रहने वाले महावीर जैन ने जनसुनवाई में कलेक्टर को लिखित आवेदन देते हुए बताया कि लगातार तीसरी बार जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा जो नाले बनाए गए हैं उन्हें डाइवर्ट कर उनके खेत की तरफ मोड़ दिए हैं, जिससे उनके खेत पानी से लबालब हो गया। उनके खेत में बुआई नहीं हो पा रही है, खेत बस्ती के नज़दीक है, इसकी वजह से खेती नहीं कर पा रहे हैं। 181 पर जो भी शिकायत की जाती है नगरपालिका अपनी मर्जी से और बलपूर्वक उसे बंद कर देती है। क्या नाम है आपका? महावीर कुमार जैन। ये विदिशा लोकल में रहता हूँ, ये मैं किले अंदर में रहता हूँ। वार्ड नंबर मेरा रहता है तो मैं 16 में हूँ। शिकायत अपनी मेरे जो लेके आया हूँ वो जो मोतियानी का वार्ड 12 का है। एक नाला जो रहता है अपने यहाँ जो मुखर्जी नगर की तरफ से पूरा पानी कम से कम 3-4 वार्ड का आता है, वो पूरा पानी रायपुरा स्कूल के नीचे उतरता है। वो नगर पालिका द्वारा 100-125 फीट बजा के मेरी जो भूमि पड़ी है उस पूरी भूमि में पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं 181 पे जब भी शिकायत करता हूँ तो जो शिकायत अधिकारी नगर पालिका से जो बैठते हैं वो फोर क्लोज कर देते हैं, जबरदस्ती उसको बंद कर देते हैं। इसकी मैंने शिकायत 3 बार कर चुका हूँ। आज लगभग मैं जुलाई में पहली बार आया था, 24 जुलाई के लगभग, उस दिन मैं इनके यहाँ कलेक्टर महोदय को मैंने आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती मेरी शिकायत बंद कर दी। फिर पुनः 15 दिन पहले मैंने आया दूसरी शिकायत लेके, और दूसरी शिकायत में भी फिर कलेक्टर ने उन्हें निर्देशित किया। दूसरे दिन यही वैशाली मैडम मौके पर गई, लेकिन उसके बावजूद आज 15 दिन हो गए, आज मौके पर कोई भी कार्य उन्हें नहीं किया गया है। और मौके के फोटो भी लेके आके कलेक्टर साहब को दिखाया गया है। आज तीसरी बार फिर आवेदन दे रहा हूँ, देखता हूँ शायद वो निराकरण कर दे, इसी अपेक्षा से मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती। कलेक्टर साहब नहीं है, उन्होंने उनको बोल दिया है, निर्देशित तो किया है, भाई 15 दिन पहले आए थे, क्यों काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब उनके निर्देश का वो पालन करते नहीं करते, अब ये देखा जाएगा अगले 8 दिन में।